हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगर आप अपने फ्लाइंग ट्रेनिंग या करियर के दौरान कभी भी टेम्प्रेरी अनफिट हो जाते हो देन उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है एंड इसका क्या सॉल्यूशन है आइए देखते हैं तो मेडिकल का आप सबको ऑलरेडी पता है कि एवरी ईयर रिन्यू करना होता है अप अपटू फोर्टी एंड एवरी मंथ्स एंड एज के हिसाब से काफी सारे एडिशनल टेस्ट्स भी होते हैं इसीलिए इन केस अगर आपके रिपोर्ट्स में कोई सीरियस एबनॉर्मेलिटी आती है तो डीजी से डॉक्टर आपको क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करना होता है इसीलिए रीजन मेजर हो या माइनर टेक्निकली आप इस कंडीशन में फ्लाई नहीं कर सकते सेफ्टी रीजन की वजह से बट आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है एंड इसके बाद आपके साथ क्या होगा एंड आपको क्या करना होगा उसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो स्टेप वन जब किसी टेस्ट में ये कंफर्म हो गया कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो जिस रेस्पेक्टिव डॉक्टर ने जिस पर्टिकुलर टेस्ट में आपको एबनॉर्मल पाया है वो उसमें अपना ओपिनियन एंड रीजन मेंशन करते हैं कि आपको ये ये प्रॉब्लम है और इस ट्रीटमेंट की जरूरत है एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली जो भी आपका डीजीसी एग्जामिना है वो सी ए थर्टी फाइव सर्टिफिकेट में टेम्प्ररी अनफिट मैंशन करते हैं कुछ इस तरह से And according to seriousness of your problem, unfit का duration भी आपको आपको ही बताएंगे कि के के लिए लिए आप unfit हो। इसके साथ रिपोर्ट की वन आपको देते हैं आपके रेफरेंस के लिए and वन से को भी भेजते हैं उनके रेफरेंस के लिए क्योंकि उनको भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है अब इसके बाद स्टेप टू में डीजी से आपके होम एड्रेस पे एक लेटर भेजेगा कुछ इस तरह से जिसमे अनफिट पीरियड रीजन एंड नेक्स्ट मेडिकल आपका जहाँ भी होगा वो डिटेल्स को आपके पास पहुंचने में काफी डिले भी हो सकता है, मेरा है कि जब भी आपको देते हैं, उसके कुछ डेज या वीक्स के बाद पर्सनली डीजी से ऑफिस जाकर खुद इसे अपटेन कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा अदरवाइज आप यहाँ पे वेट करते रह जाओगे और अनफिट पीरियड आपका लैप्स भी हो सकता है जिसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा दैट इज नो इंफेक्शन सर्टिफिकेट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको जो भी रिपोर्ट्स दिया गया है उसे लेकर आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा किसी भी NABH और NABL accredited हॉस्पिटल में देन डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम एंड रिपोर्ट्स यू हैव वो आपको हो सकता है और टेस्ट करें एंड उसके सॉल्यूशन के लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नहीं ये भी आपको सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं क्योंकि कुछ लोग बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाते हैं देन इसके बाद स्टेप नंबर फोर में जब आप फुली रिकवर हो गए एंड डॉक्टर ने आपको नॉर्मल रिपोर्ट दे दिया तब आपको एयर फोर्स सेंटर में अपॉइंटमेंट लेना है पी फॉरवर्डिंग सिस्टम के थ्रू सेम जैसा मैंने मेडिकल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था एंड देन आपको जो भी डेट दिया जाएगा उस दिन आपको सब रिपोर्ट लेकर जाना है एंड जिस टेस्ट में आप अनफिट थे सिर्फ वही टेस्ट आपका लिया जाएगा वहाँ पे या आप जो नॉर्मल रिपोर्ट लेकर गए हो उसके बेसिस पे आपको अगेन क्लास वन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा Then next time जो है, वो वैसा ही रहेगा, जिसके बारे में ड्यूरेशन तो है, है अगर आप उस टाइम लिमिट के अंडर अप्लाई नहीं कर पाते या लेटर आपके पास आने में कुछ डिले हो जाता है तो आपको पूरा मेडिकल टेस्ट फिर से देना होगा और एनओसी भी आपको कंपलसरी लगेगा इस केस में अदरवाइज आपका अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा तो इस पॉइंट का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन एडिशन आप अपने डीजी से डॉक्टर के टच में भी रहो क्योंकि हो सकता है आप किसी प्रोसेस में स्टक हो जाओ तो वो आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं हेल्प कर सकते हैं तो ये था कंप्लीट प्रोसेस का ब्रीफ ओवरव्यू एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे फिट कीप लर्निंग एंड टेक केयर